एवरीथिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड। आज का न्यूज़ चला गया ना। हेलो दोस्तों, आज ऑलरेडी ये दो स्टैंड अप कॉमेडियंस प्रिपेयर कर चुके हैं, एक करने वाला है जिसका अंदाज़ी यही है। प्लीज वेलकम जुबैर इकबाल फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। मजा आ रहा नहीं आ रहा? करा तू मजे अच्छे वाले? गीतांजलि मैम करा तू मजे? थोड़े ऐसे लौंडे थोड़े बोर हो रहे हैं मैम, करा तू अपने अंदाज में करू स्टैंड अप? चलो कर ही देता हूँ। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज जुबैर इकबाल। टुडे आई परफॉर्म ए स्टैंड अप कॉमेडी। कौन सा कॉलेज है? हेलो कौन सा कॉलेज है भाई? इन्होंने आईडी कार्ड दिए ही नहीं मुझे कि जिससे पता चले कि कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो अभी महंगा कह रहा हूँ, इसमें फ्यूचर दिख जाएगा मेरा। तो जब मैं आया था ना फर्स्ट टाइम कॉलेज में, तो एक दो दिन बाद मुझे ना विद्या से प्यार हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग गया था कॉलेज आना। तो एक बार क्या हुआ कि सर मुझसे पूछे कि अच्छा जुबैर तुम कॉलेज क्यों आते हो? मैंने बोला सर विद्या के लिए, विद्या से बहुत प्यार है मुझे। और अगले दिन ना मैं सो गया क्लास में और सर ने पूछा कि बेटा सो क्यों रहे हो? मैंने बोला सर आज विद्या कॉलेज आई ही नहीं है। तो एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज आया था तो थोड़ा बहुत ना मुझे करियर को लेकर बहुत टेंशन होती थी। तो एक सीनियर थे तो उनसे मैंने पूछा भैया कोई आपकी कोई बंदी वगैरह है? मुझे ना ऐसे देखा, मैं समझ गया कि भाई अभी तक सिंगल है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया बैक वगैरह का क्या सीन है? तो उन्होंने ना मुझे कूद डाला। अब उसके बाद ना मेरी उन लोगों से फटी पड़ी रहती थी। तो फिर जब भी मैं उन्हें देखता था ना, भैया कुछ चाहिए, कुछ ला दू, कुछ खाने के लिए ला दू, और ऊपर वाले की मेहरबानी देखो, उसने बोला इस बार मैं तुम्हें कुछ देता हूं, AK2 ने मुझे 5 बैग दे दी। और मेरी एक बंदी थी, हॉस्टल में रहती थी, तो जब भी मैं उसे बुलाने जाता था ना, तो एक दिन मुझसे वो बोली कि जुबैर तुम जब भी मुझे बुलाना ना, तो थोड़ा अपनी प्यारी आवाज में मुझे बुलाना, कॉल नहीं करना, मैसेज मत करना। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी बहुत कोयल की आवाज भी मैं निकाल लेता हूँ, तो ऐसे मैं उसे बुलाया करता था। तो 2-3 दिन तक ना ऐसे ही मैं बुलाता रहा उसे, और मैं ना ऑब्जर्व करता था कि जब भी मैं ये आवाज निकालता था ना, तो हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो जाती थी। तो मैंने एक दिन अपनी बंदी से पूछा, अच्छा ये बताओ जब भी मैं तुम्हें अपनी प्यारी आवाज में बुलाता हूँ, ये तुम्हारी हॉस्टल की लाइट्स क्यों चली जाती है? तो उसने पता है मुझे क्या बोला? उसने बोला कि कुत्ते का भौंकना अपशगुन होता है। मैंने बोला मैं चाटता हूं क्या? अरे दिमाग की बात हो रही। और अभी ये इसी परफॉर्मेंस के लिए मैं आया हूँ गांव से। तो जब मैं आ रहा था गांव से, तो ट्रेन में मैं गया था वॉशरूम में हिलाने, सॉरी फ्लश करने, तो हुआ क्या मेरे ना हाथ गीले थे। तो आते हैं ना ट्रेन में कुछ मांगने के लिए, तो ऐसे बोला कि वो देना, तो मैंने लेना मतलब पैसे, तो हाथ गिले थे तो मैंने बोला लो निकाल लो। तो उसने जेब में हाथ डाली और 10 का नोट पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे दे दिया। गाइस इतनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाया मैं, एक्शन कैमरे का स्टोरेज जो था वो फुल हो चुका था, और वैसे भी कॉलेज वगैरह में मेरा कोई दोस्त है नहीं जो कि फ्रेशर्स वगैरह में आते हैं, तो साले चूतिए बैठे रहते पूरे दिन घर पे और बोलते हैं कि कॉलेज वाले कुछ करवाते नहीं है वो। तो बस इतना ही क्लिप रिकॉर्ड हो पाया, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया स्टैंड अप करने में। मैं ट्राई करूँगा आगे भी ऐसे बकचोदी करते रहूँ अपनी लाइफ में, तो छोटे मोटे शो ऐसे करते रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा। तो एंड ब्लॉगिंग वगैरह सब कंटिन्यू होगा, 4 महीने से मैं कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, वो सब बाद में बातें करेंगे। मिला था डॉक्टर, इधर आ जाओ हमारी ऑडियंस से, मिल लो डॉक्टर, आ जाओ इधर, हाय बोल दो, हाँ इधर आ जाओ कम ऑन बैडी, आज बोल दिए हाय बोल दो। और काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों को अपने डॉग साहब को दिखा रहा हूँ, ये सब छिपा लो, हाय बोल दो डॉक्टर, बैठ थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाओ थोड़ा डाउन। अरे पता है मेरे को हाइट है तुम्हारा, लंबा हो तुम, लंबे हो, सॉरी लड्डू, ठीक है, हाँ ओके।
तो डॉग साहब अभी आप स्टैंड अप वीडियो में, स्टैंड अप कॉमिक जो मेरी फर्स्ट वीडियो जो है आप देखोगे ना, लाइक करोगे ना भाई, बोलो कि इन फ्यूचर डॉग साहब का भी चैनल खुल सकता है, तो डॉग साहब को देखना है तो ओके गाइस, बस इतना ही बकचोदी करते रहेंगे अभी जिंदगी में, इंजीनियरिंग वगैरह तो खैर होती ही रहेगा। तो काफी मजा आया ये वाली वीडियो, मतलब काफी टाइम बाद हम आए। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो कॉलेज वालों, सॉरी अगर आप सर कैसब सर आप देख रहे हो इस वीडियो से, आपको सॉरी लास्ट में डिस्क्लेमर देते हैं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट टेक सीरियस, यहाँ नहीं लेना, यहाँ लेना बस हंसना और बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। Yeah!